हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शाहरुख एंड आप देख रहे हैं बर्ड्स एंड पेज ब्रीडिंग। तो आज का हमारा टॉपिक, आज हम बर्ड्स की ब्रीडिंग प्रोग्रेस चेक करेंगे। और आज मैंने एक नई मास्टर केज भी बनाया था, वो भी बहुत दिन से रिवील करना था, तो वो भी दिखाऊंगा। और जो जो बर्ड्स नए इंट्रोड्यूस किया वो भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो चले हमारे मास्टर केज का डोर ओपन करते हैं और अंदर जाते हैं। ये डोर है मास्टर केज का, यहाँ से एंट्री है मास्टर केज के लिए, और यहाँ से भी एक डोर है मगर अभी फिलवक्त बंद है। इंशाल्लाह जब जैसे ज़रूरत पड़ेगी उसको भी ओपन करेंगे अपन डोर। और ये दो पट्टों का दरवाज़ा है, यानी कि दो फोल्ड साइज में, मगर एक हमेशा के लिए मतलब टेम्पररी लॉक है, एक चालू है, सिर्फ एक में आना जाना 2 फीट बाय 2 फीट है, यानी एक पट 2 फीट का है, एक पट 2 फीट, यानी कि 4 फीट का दरवाज़ा है। तो अभी हम सिर्फ 2 फीट का दरवाज़ा ओपन करके आना जाना कर रहे हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ पर हमारे अल्बाइनोज है, अल्बाइनोज क्रीमिनोज, ये पूरा सेक्शन अल्बाइनो और क्रीमिनो का है माशाल्लाह से। ये आप देख सकते हैं सारे के सारे रेड आई है, कुछ ब्लैक आई भी है, मगर ब्लैक आई जो है सो अल्बाइनो स्प्लिट्स है, ये क्रीमिनोज है माशाल्लाह, क्रीमिनो इंटू अल्बाइनो है। और सभी की ब्रीडिंग प्रोग्रेस आ गई है माशाल्लाह से, सभी की ब्रीडिंग प्रोग्रेस आ गई है, ये आप देख सकते हैं। और ये कुछ बॉक्स मैंने नए बनाया था जो कि मेरे पास कम पड़ रहे थे, मेरे पास बहुत ज़्यादा पेड़ हो गए इसलिए मुझे कम पड़ रहे। इसमें भी अल्बाइनो सीच है, ऊपर भी अल्बाइनो है, नीचे भी अल्बाइनो है, रेड टू रेड है। सुबह ये पेड़ की मीटिंग चालू थी, मैं देख रहा था सुबह सुबह फजर के बाद। ये भी क्रीमिनो का ही पेड़ है और ये अल्बाइनो का स्लिट है। और कुछ कबूतर का भी शौक़ है मुझे, और ये पोस्टिंग के लिए पेड़ भी लगाए हुए हैं, पोस्टिंग करने के लिए पेड़ भी है। अभी इनको भी बॉक्स लगा दूंगा, बॉक्स रेडी नहीं था इसके लिए नहीं लगाया। और ये भी अल्बाइनो का ही पेड़ है माशाल्लाह से, अल्बाइनो टू अल्बाइनो, अल्बाइनो का शौक माशाल्लाह मुझे बहुत है। और ये पिछले साल की मेरी होम ब्रीड है, कुछ मैंने घर के लिए रोक दिया था ब्रीड, इनको अभी तैयार किया हूँ, इनको भी पेयरिंग करके इनको भी बॉक्स लगा देंगे इंशाल्लाह। और ये भी नीचे की भी कुछ मेरी होम ब्रीड है, और ये सारे के सारे स्प्लिट है, नॉर्मल फीचर भी है तो भी स्प्लिट है, किसी ना किसी चीज़ का स्प्लिट है। ये भी मेरे घर के ही है, पिछले साल के पट्टे रोक के मैंने तैयार किया हूँ, अभी ये रेडी टू ब्रीड है। कुछ पट्टे रेडी टू है, कुछ पट्टे ही है अभी तो बड़े होंगे। और ये जम्बो पिंचर्स की छोटी सी कॉलोनी है 2 पेयर की, और ये भी सभी पोस्टर, ये पोस्टर के लिए यूज़ करने के। और ये भी अल्बाइनो का ही पेयर है, यहाँ पर भी, यहाँ पर नीचे भी अल्बाइनो का ही पेड़ है। ये सिर्फ जब तक ठंडी ना लगे इसके लिए मैंने मटकी लगाया इनको, मटकी में जाके बैठने के लिए। इसे अभी इनको बॉक्स लगा देंगे, बॉक्स रेडी हो गए, और यहाँ पर स्पेस अभी खाली है, यहाँ पे भी इंशाल्लाह केजेस इंट्रोड्यूस करेंगे। और ये छोटी सी कॉलोनी है मेरी बजीज की, मुझे बजीज का दिनों से पहले शुरू शौक़ इसी से, इसीलिए इनको ख़त्म नहीं करना चाहता मैं। तो ये अभी इनके भी लिए मटकी वगैरह इंतज़ाम कर देंगे। ऊपर कोनियर वगैरह आने वाले, कोनियर स्मॉल कोनियर, बड़े कोनियर, सन कोनियर वगैरह 2-4 पेड़ वो भी ला लेंगे इंशाल्लाह। और ये है हमारे कुछ पोस्टर पेड़ है, कुछ इनके भी बच्चों से ब्रीड ले लेते हैं, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। ये भी इंडिविजुअली इंशाल्लाह इनकी भी प्रोग्रेस आपको दिखाएंगे केज बाय केज सबकी। इनके नीचे ये वाले पेड़ के नीचे मेरे पुराना पोस्टर पेयर है, और इसके नीचे मैंने क्रीमिनो और अल्बाइनो के अंडे पोस्टर किया हूँ माशाल्लाह से। ये बहुत पुराना पेयर है मेरा, 3-4 साल से मैं इसे पोस्टर करा रहा हूँ, और ये बहुत अच्छे से बच्चे पालता है, तो इसीलिए मैंने इसके नीचे क्रीमिनो के अंडे दिया हूँ। और ये खासियत इसकी एक है कि इसके फीमेल की एक टांग नहीं है, फिर भी ये माशाल्लाह पोस्टर बहुत अच्छा करता है, बच्चों को फीड बहुत अच्छे से कराता है। तो ये कुछ नए पोस्टर पेयर्स भी है, मगर अभी इनके नीचे इनके ही बच्चे पलवा रहा हूँ, तो देखेंगे इंशाल्लाह इनकी अगर प्रोग्रेस अच्छी आएंगी, ये बच्चों को अच्छे पालेंगे तो इनको भी नीचे से नीचे और दूसरे बच्चे देंगे और अंडे वगैरह फोस्ट कराएंगे इनके लिए। और ये ब्लू मास्क का मेरा एक पेड़ है, ये तकरीबन मेरे पास है 7 साल से मेरे पास पेड़ है। और ये पेड़ की एक और की खासियत है, इसके मेल की एक आँख नहीं है, फिर भी ये मुझे सीजन में 34-35 बच्चे दे देता माशाल्लाह से। और ये कुछ बड़े ग्रीन लिविंग की फीमेल है, और इसको भी इस साल मैं सोचते के लिए यूज़ कर रहा हूँ। और ये वाला पेड़ आप पिछले मेरा वीडियो चैनल पे अगर वीडियोस देखे होंगे तो इसके इनके पेरेंट्स ब्लू पाब्लू टू पाब्लू फिशरी जो पेड़ लगा था
उसी में से निकले हुए ये ब्लू फिशरी, मेल बाहर का है और फीमेल पागलू फिशरी जो है तो उस पेड़ की है। और ये मेरा पुराना केबल का पेड़, आप मेरे अगर पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको मालूम है ये वाला मेरा पेड़। माशाल्लाह इसकी भी ब्रीड आ गई, सबकी ब्रीड आ गई भी है, इंशाल्लाह उसका भी एक वीडियो बना के अलग से शेयर कर लेंगे। और एक मेरा कॉकटेल का एक सेटअप है जो कि मैं अलग से कॉकटेल को रखा हूँ। ये आप देख सकते हैं प्लाईवुड वगैरह आ गया, ये बॉक्स का काम चालू है, बॉक्स वगैरह ब्रीडिंग बॉक्स वगैरह बनाना भी चालू है। तो अभी कॉकटेल्स के कुछ बॉक्स है कुछ नहीं है, ये मेरे कॉकटेल का सेटअप है। ये आप देख सकते हैं, एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूँ तो कुछ हैवी म्यूटेशंस है, कुछ सादे म्यूटेशंस है। मैं एक बात बताऊँ, मुझे कॉकटेल का उतना ख़ास शौक़ नहीं है, मुझे अफ्रीकन में ज़्यादा इंटरेस्ट है, फिर भी मैंने रखा हूँ। ये देखिए पर्ल कॉकटेल भी है, क्रीम कॉकटेल भी है, ग्रे कॉकटेल भी है, पाइड भी है, चारकोल है, अल्बाइनोज है, सबके सब कॉकटेल्स हैं इसमें। तो इंशाल्लाह इसका भी इस चैनल पे वीडियोस आते रहेंगे डेली, स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस आएंगे इंशाल्लाह। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपको सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे, तो सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो वापस से कॉलोनी में जाएंगे हम अपन अभी फिल वक्त। तो ये कॉलोनी का एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। पेड़ तो माशाल्लाह बहुत सारे हैं, मगर देखेंगे इंशाल्लाह इंडिविजुअली जितनी भी हो सके उतनी ब्रीडिंग प्रोग्रेस आपके साथ शेयर करेंगे। कॉकटेल्स की भी और अफ्रीकन लोबर्ड्स की भी, बजरी की भी, फिंचेस की भी और कॉनियर वगैरह भी आने वाले। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो इंशाल्लाह आगने वाले जो जो भी वीडियोस हैं आपको सारे देखने को मिलेंगे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी नॉलेजेबल बात रहेंगी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे इंशाल्लाह। जो भी बर्ड्स के रिलेटेड जो भी बात रहेंगी इंशाल्लाह यहाँ से अपडेट में पूरे वीडियोस आएंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।